हाय हेलो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। और आजकल बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है गांव में, बहुत ज़्यादा। और आज का व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ शाम के 5 बजे से, और धूप थोड़ी थोड़ी ही रही बच्ची है और बाकी धूप जाने वाली है। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल सामने है मेरे सूरज। आजकल बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है और हम लोगों ने तंदूर जलाना शुरू कर दिया है, तो मैं आज बनाऊंगी मक्की की रोटी। मैंने आज तक बनाई नहीं है, पर कभी पूछ के बनाऊंगी और देखती हूँ मैं कैसे बनती है। वैसे वो टूट जाती है, अब पता नहीं मैं कैसे बनाऊंगी, टूटेगी या फिर अच्छे बनेगी, चलो देखते हैं शाम को ही। और जो मेरे घर पे तंदूर है वो इस टाइप की है, मतलब अलग अलग टाइप की तंदूर होती है, तो मेरे घर पे इस टाइप के तंदूर है, तो आप देख सकते हो कि कैसी है। और साथ में जो तंदूर है इसमें इस टाइप की लकड़ियाँ पड़ती है, मतलब इतनी छोटी छोटी कट करनी पड़ती है, और इसमें इसी टाइप की लकड़ियाँ पड़ती है छोटी, मतलब ऐसे जैसे चूल्हा होता है तो उसमें तो बड़ी पड़ जाती है, बट जो ये तंदूर होता है इसमें कट करके ही छोटी छोटी लकड़ियाँ डालनी पड़ती है। मतलब बहुत टफ होता है बट सेकने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जा रहे सरसों का साग लेने, क्योंकि आज हमने मक्की की रोटी बनानी है और मुझे पता नहीं है कि साग क्या होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ उसको हम ढूंढेंगे। पहले यहाँ पे जो ये गोभी के जैसे पत्ते डिजाइन तो बस ये सब गोभी भाई। तो कि साग बनाने की तैयारी, दो आलू भी लाए डालने के लिए। मम्मी वगैरह के जमाने में खाते थे ऐसे आलू, और इसके ऊपर डाल देंगे पूरी तरह से राख। उसके बाद इसको थोड़े टाइम के लिए पकने देना, और फिर उसके बाद इसमें नमक डाल के तंदूर पे बना रही हूँ सिम पे, और मतलब बहुत ज्यादा अच्छा बनता है।
देख सकते हो, इसको थोड़ा सा ब्राउन होने देना है और तब जाके इसमें, मतलब जब प्याज ब्राउन हो जाए तो तब जाके इसमें मसाले ऐड करने हैं। और इसमें तुम मिर्च ज़्यादा ही ऐड करो, क्योंकि जो ये सब्ज़ी होती है हरी सब्ज़ी, इसमें मिर्च ज़्यादा अच्छी लगती है, तो देख सकते हो आप। और अब मैं इसमें कर रही हूँ हरी सब्ज़ी ऐड। देखो इसमें मैं थोड़े थोड़े से आलू भी डाले हैं, और मैं हरी सब्ज़ी और आलू दोनों मिक्स कर रही हूँ। ऐड करने के बाद इसको मतलब अच्छी तरह से ऊपर नीचे मिक्स कर दो, और उसके बाद ये वैसे तो अपने आप ही हो जाता है थोड़ा सा, पर इसको थोड़ा तो करना ही पड़ता है। कोई नहीं है, कितनी डालूं मामा? पूरी डालो, दो कौन और डालो। थोड़ा सा डालूँ इसमें नमक, बस इसको थोड़ा मिक्स करूँगी मैं पहले, और मैंने कभी बनाई नहीं है, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। मम्मी इसका जो है आटा कैसे गूंदना है, मतलब जैसे चपाती का होता है? गर्म पानी थोड़ा सा, कड़ी, सरसों का साग, मक्की की रोटी।